स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेक टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे एंड सब बच्चों की सीटेट एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है या जो बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम 2-3 मंथ्स अच्छी प्रिपरेशन के लिए इसके लिए चाहिए ही होते हैं, ताकि आप लोग बाद में रिविजन भी कर सको। आज जैसे कि आप बोर्ड पर सारे देख सकते हैं, आज का लेक्चर रहेगा EVS पेडागोजी का। एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि पिछली बार 700+ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडुटैक का कोर्स लेकर सीटेट एग्जाम को क्रैक किया था। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज्यादा बच्चे होंगे। जल्द ही हम लोग KVS लॉन्च करने वाले हैं, KVS का कोर्स एंड DSSB का भी कोशिश करेंगे कि जल्दी बनाएंगे आप लोगों की डिमांड पर, ठीक है। एंड आपको अगर कोर्स को परचेज करना है तो हमारी साइट पे जाके लिंक क्लिक कर सकते हैं, दैट इज www.edutap.co.in, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8146207241। कई बच्चे बोलते हैं कि नंबर बिजी आ रहा है या मैम कॉल नहीं उठा रही है। आप चिंता मत करो, आपको मैम कॉल बैक कर लेगी, ठीक है। जो बच्चे कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। EVS पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। EVS पेडागोजी का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैं ले चुकी थी, वो था हमारा NCF, ठीक है। आई होप जो भी बच्चे ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरा NCF लेक्चर भी देख लेना। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पहले लेक्चर में मैंने सारा सिलेबस लिखा था, हमने सेकंड चैप्टर कर लिया था, आज हम फर्स्ट चैप्टर लगभग करेंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज व्हाट, कंटेंट एंड स्कोप ऑफ EVS। इसमें से आपके 3 क्वेश्चंस पक्का ही रहते हैं। EVS पेडागोजी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है कि ऑब्जेक्टिव का क्या EVS है, EVS की फुल फॉर्म क्या है और EVS सब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली होता क्या है। पहले तो हम एक बार ही ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, EVS के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। बहुत सिंपल है, मेन ऑब्जेक्टिव EVS के ये पहले 2 ही है, बच्चे को अवेयरनेस देना अबाउट एनवायरनमेंट, जितने भी एनवायरनमेंट इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट कंसर्न्स हैं, उस रिगार्डिंग बच्चे को नॉलेज देना, बच्चे को अवेयरनेस देना, ठीक है। सारा ये एक मोटिव होना चाहिए टीचर का कि जितने भी उसके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट स्कीम्स, एनवायरनमेंट इश्यूज हैं, सब उस चीज को लेके, सारी चीजों को लेके बच्चों को अवेयर करना, ठीक है, जागरूक करना बेसिकली। फिर सेकेंड है कनेक्ट करना विथ सराउंडिंग्स एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये आई थिंक कोई भी पेडागोजी है, चाहे सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, CDP या एनवायरनमेंट, सबका ये एम है ही है कि जो भी आप बच्चे को क्लास में सिखा रहे हो उसको आप लिंक करो उसकी सराउंडिंग के साथ, उसकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है बच्चे को आप मोटिवेट करो कि वो पार्टिसिपेट करें एनवायरनमेंट एक्टिविटीज में, ठीक है। उसके सराउंडिंग्स में जैसी भी एक्टिविटीज है, चाहे वो एक हो ट्री प्लांट करना, किसी भी तरह की एक्टिविटीज हो, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। फोर्थ इंपॉर्टेंट है डेवलप द एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के अंदर ये एटीट्यूड डेवलप करना कि थोड़ा बहुत कंसर्न बच्चों को होना चाहिए एनवायरनमेंट को लेके। बहुत सिंपल चीजों से भी आप एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न कर सकते हो, लाइक हम कुछ भी खाते हैं तो आप बाहर मत गिरो, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाड़ी से चलते चलते कुछ मत फेंको, अगर आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें कहते तो हैं कि छोटी चीज़ें हमारे करने से कौन सा कोई बड़ा चेंज ला देंगे, बट फिर भी ये छोटी चीज़ें आई थिंक बहुत इफेक्टिव है और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप बच्चे के अंदर क्या पैदा करो, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी अगर चीज़ों को जानने के लिए तो आई थिंक उसकी वैसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है 6th, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना, एनवायरनमेंट की कह लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, तो आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचेंगे नहीं, ठीक है। वाटर, एयर, पेट्रोल, ये वाटर एयर वगैरह तो कहते हैं कि अबंडेंट है बट फिर भी वाइजली यूज़ करो। पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, इनको भी वाइजली यूज़ करो। इस तरह की एक्ट को जब हमने हमारे रिसोर्सेज को हम वाइजली यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को जो भी एनवायरनमेंट का टॉपिक है ना उसको रिलेटेड बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो डिजास्टर हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे को हर चीज की नॉलेज हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे के अंदर स्किल्स पैदा करो। स्किल्स कैसे? लाइक ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बच्चा हर चीज को ऑब्जर्व करे, इंक्वायरी की स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जितना खुद करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, ऐसी काफी सारी स्किल्स है जो हमें बच्चे के अंदर पैदा करनी है। सबसे ज्यादा आपको ईवीएस में क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जर्वेशन स्किल में, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आप ज्यादा बच्चे को कौन से स्किल पैदा करो, जितना बच्चा ऑब्जर्व करेगा एनवायरमेंट में उतना ज्यादा सीखेगा, तो ऑब्जर्वेशन स्किल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज राइट एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा भी हमारा कल्चर है उसको आप रिस्पेक्ट करो, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यूज है उसको भी अपने अंदर, एक वर्ड आता है इनकलकेट, अपने अंदर ग्रहण करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप तभी एक अच्छे एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकते हो। आपको पता है जो ये ईवीएस है, ईवीएस की डेफिनेशन है कि ये कंसर्न करता है विथ सराउंडिंग्स। ईवीएस के अंदर फिर दो तरह के आ जाता है, आपने ये वर्ड सुना होगा, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स, अबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। फिर बायोटिक में भी आपके दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट, एक सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में आपका क्या आता है, वाटर, एयर, सॉइल, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट है। सोशो कल्चर एनवायरनमेंट में आपका ये रहता है लगभग एटीट्यूड, वैल्यूज, ठीक है, रिस्पेक्ट, ये अगर कह लो एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये सब आपका इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो लगभग आपका एक से या दो क्वेश्चन आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पे रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने दो छोटे से पॉइंट्स लिखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस की फुल फॉर्म आधे बच्चों को पता ही नहीं होती है, ठीक है, तभी मैंने यहाँ लिखी है ईवीएस की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कहीं वहां पे लिखा होता है एनवायरमेंटल साइंसेस, बच्चे वो टिक कराते हैं, तो ध्यान रखना एनवायरमेंटल स्टडीज। फिर आपको पता है जो ये आपका एनवायरमेंट वाला सब्जेक्ट है ना, ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। इंटीग्रेटेड का मतलब कि काफी सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बना हुआ है। क्वेश्चन आता है जो हम बच्चे को ईवीएस प्राइमरी स्टेज पे पढ़ाते हैं उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। आपका क्वेश्चन आएगा ईवीएस इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ऑफ थ्री थिंग्स, वो क्या क्या है, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन। लेकिन अगर एग्जांपल दूं, वाटर का एग्जांपल लो, हम साइंस में भी वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर का कलर, टेस्ट, स्मेल, पीएच, ये सब। सोशल साइंस में वाटर के बारे में कैसे पढ़ते हैं, वाटर रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है, वाटर का यूजेस क्या क्या है, ठीक है, वाटर कह लो कंजर्वेशन कैसे होगा, ये सब हम सोशल में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एनवायरमेंट में आपको पता ही है डेली नीड वाटर की क्या है, वाटर क्लीन आ रहा है, वाटर प्योरीफाइड आ रहा है, ये भी सब हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं। तो बेसिकली ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जो ये तीनों चीजों को कंबाइन करता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं सीटेट के, तो आपको जो ये सारा कंसेप्ट है और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सीटेट के आपके रिसेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस। क्वेश्चन कहता है कि इसमें से आपने बताना है सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम ऑब्जेक्टिव क्या होगा ईवीएस का, ठीक है। फर्स्ट है टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, ये तो लग ही रहा है क्योंकि हमें बच्चों को अवेयरनेस देनी है, तो मैंने पहला पॉइंट ही लिखेगा, तो ये तो है ही है। सेकेंड है बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना अबाउट सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, ये भी लग रहा है, ये भी हमने पॉइंट पढ़ा ही था। थर्ड है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड टू एक्वायर द स्किल ऑफ रिकॉल एंड मेमोराइजेशन, कि बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दो कि उसके अंदर ये स्किल पैदा हो, रिकॉल एंड मेमोराइजेशन। ये वैसे नहीं लग रहा है क्योंकि आपको पता ही है एनसीएफ क्या कहता है, हमें बच्चे को रट्टे नहीं मरवाने हैं, ठीक है, तो बच्चे के अंदर ये स्किल पैदा करो कि वो याद करे चीजों को, ये तो नहीं होगा। एंड फोर्थ है टू क्रिएट कॉग्निटिव कैपेसिटी इन लर्नर्स, ये तो लग रहा है कॉग्निटिव कैपेसिटी मतलब बच्चे की मेंटल थिंकिंग पावर को स्ट्रांग करो, ये पॉइंट भी लग रहा है ज्यादा अच्छा है, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। तो जो स्ट्रांग पॉइंट नहीं है वो आपका क्या है, थर्ड, लीस्ट। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है सबसे
लीस्ट सबसे कम अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या है वो ये है, हमने अंदर मैंने आपको बताया था जो स्किल्स बच्चे के अंदर पैदा करनी है वो कौन सी है, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंक्वायरी हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, डिस्कशन हो गया, ये स्किल्स पैदा करो ना कि रिकॉल और मेमोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ईवीएस का, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईजीएस। फर्स्ट थीमेटिक अप्रोच, सेकेंड लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कंटेक्स्ट, थर्ड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, या फोर्थ फेमिलैरिटी विद द टेक्निकल टर्म्स। अब देखो इसमें से वैसे जो जो लग रहे हैं, इन्होंने पूछा है नॉट एन ऑब्जेक्टिव, पहले तो जो जो लग रहे हैं हमें, हमेशा मैंने बोला पहले वो ढूंढो, ऑप्शंस को डिलीट करो। ये भी है थर्ड, मैंने पढ़ाए ऑब्जेक्टिव्स है कि हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाएं बच्चों को, ठीक है, बच्चों की जो एक्सपीरियंसेस हैं ठीक है वो लिंक करें आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ये भी है। ठीक है, थीमेटिक अप्रोच आपको, अगर जिन बच्चों को भी नहीं पता, पता होना चाहिए, जो आपकी ये ईवीएस जो हम पढ़ाई प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं, थीम बेस्ड स्ट्रक्चर्स, आपके जो थीम्स आपको पता है फूड वाटर शेल्टर, ये आपके लिखे भी हुए हैं सिलेबस में, तो ये थीम पे फॉलो करती है ईवीएस, ये भी बात ट्रू है। ऑफकोर्स अब देखो लास्ट ऑप्शन, आप फेमिलैरिटी कराओ विद टेक्निकल टर्म्स, मैंने पहले भी बताया टर्म्स डेफिनेशंस पे हमें बच्चों को नहीं ध्यान देना है, तो दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस। तो आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ, टर्म्स पे डेफिनेशंस पे नहीं ध्यान देना है, थीम बेस्ड अप्रोच है ईवीएस, ठीक है, बच्चे के रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करती है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करती है, टर्म्स और डेफिनेशंस बच्चे को करवाने का ईवीएस में कोई फायदा ही नहीं है, जब तक आप उसको खुद चीजें एक्सप्लोर नहीं कराओगे तब तक वो नहीं सीखेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका टेस्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है ईवीएस पढ़ाने का प्राइमरी लेवल पे, डेवलप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज क्लासेस, acquire skills to carry out hands-on activities independently, and last hai help learners link classroom learning to the life outside school। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, एंड अगर आप ऐसे और 15 टू 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रीवियस ईयर प्लस एडवांस क्वेश्चंस, तो आपको कोर्स में मिल जाएंगे, अंचित सर ने बहुत अच्छी तरह समझाए हुए हैं, डिटेल्ड में ये टॉपिक अच्छी तरह कोर्स में गिवन है, एंड मैं डेली चेक कर रही हूँ जो बच्चे कमेंट में आंसर नीचे लिखते हैं, मैंने उन्हें ऑन एन एवरेज निकाला है, आउट ऑफ कह लो 100% सिर्फ 20% बच्चों को आंसर सही होता है, मतलब स्टिल 80% बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं, ये इवन बताने के बाद, आपको YouTube पे फ्री वीडियो देने के बाद, समझाने के बाद, तो जो भी बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं, प्लीज मैं नहीं रिक्वेस्ट करती हूँ, टाइम कम है, आई एम वेरी कंसर्न फॉर यू, प्लीज अपना कह लो हार्डवर्क जारी रखे, नहीं तो फिर अगले साल की वेट करनी पड़ेगी सीटेट की, प्लीज मेहनत करिए, ठीक है, डेली स्टडी करिए, क्वालिटी स्टडी करिए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। थैंक यू, दिस इज सोनिया फ्रॉम द ए टू टैप, ऑल द वेरी बेस्ट।